लेग्जेटिव्स, ठीक है, लेग्जेटिव्स लिखो सभी। लेग्जेटिव की स्पेलिंग है LAXATIVES, लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स की इंट्रोडक्शन लिखेंगे आज हम। These are known as mild cathartics. These are known as mild cathartics. While purgatives. Purgatives की स्पेलिंग है PURGATIVES. While purgatives are used as strong cathartics. While purgatives are used as strong cathartics. तो अभी मैंने आपको बताया कि माइल्ड कैथार्टिक्स क्या होते हैं, कि इजीली अगर आपको नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइल्ड कैथार्टिक्स। बट सर्जरी वगैरह के लिए या फिर किसी पेशेंट को रेक्टल डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, पर्गेटिव्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, ठीक है। एक ही पैराग्राफ में पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है। लेग्जेटिव्स एंड पर्गेटिव्स both act by retaining fluid, both act by retaining fluid in the bowel. Bowel की spelling है BOWEL. तो आपकी जो cathartics and purgatives दोनों ही कैसे function करते हैं, कि आपके जो bowel में जितना भी fluid है उसे बाहर कर देते हैं, उसे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। लेग्जेटिव्स एंड पर्गेटिव्स मे बी एडमिनिस्टर्ड आइदर बाय oral route or by rectal route. तो laxatives and purgatives जो होते हैं, ये जिस फॉर्म में भी मेडिकामेंट होती है, ठीक है, उसे हम दो routes के थ्रू ले सकते हैं। एक ओरली रूट मीन्स माउथ के थ्रू हम लेते हैं, जैसे हम टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, और दूसरा है आपका रेक्टल रूट। तो रेक्टल रूट के क्या थ्रू होता है, कि जो रेक्टम होता है उसके थ्रू, जैसे हम एनीमा वगैरह देते हैं पेशेंट को, तो हम उसे कहते हैं रेक्टल रूट। तो जो आपके जो कैथार्टिक्स होते हैं, ये दो रूट के थ्रू दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओरल रूट एंड सेकेंड वन इज़ रेक्टल रूट। क्लियर है? फर्स्ट स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सेसिव यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आपके कैथार्टिक्स के अंडर सॉल्ट आता है, ठीक है। अगर उस सॉल्ट का ज़्यादा इंटेक हो जाता है तो क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एज स्लाइन कैथार्टिक causes मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी में उसका कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट जो है ज़्यादा
अमाउंट में या बहुत लॉन्ग पीरियड से हम ये सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को या इस सिचुएशन को या उस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइपर मैग्नीशिमिया। हाइपर मैग्नीशिमिया क्या होती है, एक बीमारी होती है कि हमारी बॉडी में जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि हम कई बार क्या करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट ज़्यादा ले लेते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी जैसे कि बोन्स बढ़ जाती हैं, जैसे कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई है, तो वो हड्डी नहीं बढ़ती है, कैल्शियम बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस कंडीशन में हमें जो है कैल्शियम या जिन चीज़ों में हमारी डाइट में कैल्शियम होता है उन चीज़ों को हमें कम इनटेक करना चाहिए। ठीक है, कॉमा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन एंड वाटरी डायरिया। तो जब हमारी बॉडी में ज़्यादा मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा GIT जो है, ठीक है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें इरिटेशन हो जाती है। और जो हमारा जो पेट है, जब वो क्लियर होगा तो वो किस फॉर्म में क्लियर होगा, वाटरी डायरिया, जस्ट लाइक कि हमें जैसे दस्त लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम सल्फेट हमने ज़्यादा ले लिया। तो जो ये जो मेडिकामेंट होती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको इतने दिनों तक ये खानी है, तो हमें पर्टिकुलर उतने ही दिन तक कोई भी मेडिसिन खानी चाहिए, उसे ज़्यादा अपनी मर्जी से कभी इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बी कम्प्लेक्स के जो होते हैं कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, और मल्टीविटामिन्स के होते हैं, विटामिन ई के होते हैं, और आयरन का जो सिरप होता है, ये नॉर्मली क्या करते हैं लोग खुद ही अपनी मर्ज़ी से लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, कि ये तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं तो खाने चाहिए नॉर्मली। बट क्या होता है कि इस सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो लेते रहते हैं तो उनके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे कि आपको ये सिरप या ये कोई मेडिकमेंट है पर्टिकुलर इतने ही टाइम तक लेनी है, तो आपको उतने ही टाइम तक लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इज़ इट क्लियर फर्स्ट ईयर? ओके बेटा, तो अब हम सॉल्ट्स की स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट्स करते हैं जो आपके कैथार्टिक्स के अंडर आते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास सिलेबस होगा, तो उसमें देखो फर्स्ट सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, तो आप हेडिंग डालो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, सभी लिखो मैग्नीशियम सल्फेट, MAGNESIUM, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, नीचे लाइन में लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एरो बना के सामने लिखो MgSO4 मैग्नीशियम, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इनटू 7H2O इनटू के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल मत लिखना, पॉइंट लगा देना जस्ट कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कितना वाटर ऑफ कितना कंटेंट ऑफ वाटर है, तो उसको हम क्या करते हैं 0.7H2O लिख देते हैं। ठीक है, 0.7H2O इट मींस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेंट है इसके साथ। ठीक है, सिनोनिम लिखो नीचे लाइन में, सिनोनिम के सामने एरो बना के लिखना है एप्सम सॉल्ट। एप्सम की स्पेलिंग है EPSOM, एप्सम सॉल्ट। मैम इसमें सॉल्ट नहीं होता? हाँ जी बेटा, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट में सॉल्ट नहीं होते बेटा, ये खुद ही सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट है ये। ठीक है, ओके मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो प्रेपरेशन, नीचे लिखो प्रेपरेशन, वहाँ पे एरो बना के लिखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड
प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल कैसा होता है? H2SO4. H2SO4. तो अभी आपने लिखा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव राइज टू हम किसे कहते हैं? एरो को कहते हैं. ठीक है, एरो लगाओ सामने इनके और साथ में प्रोडक्ट लिखो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट. MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर H2O. ठीक है, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो जब मैं नोट सेंड करूंगी आप वहां से देख के लिख लेना, लाइन ब्लैंक छोड़ दो, गलत मत लिखना. ठीक है, जब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट सेंड करती हूँ तो वहां से देख के अपना करेक्ट जो है वो लिख लेना. क्लियर है? यस मैम. ओके बेटा, तो नेक्स्ट लिखो हेडिंग, नीचे हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज, मैग्नीशियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इट इज अडरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, कोई खुशबू नहीं होती है. इट इज अडरलेस कॉमा कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, मींस वाइट कलर का होता है उसे भी हम कलरलेस ही कहते हैं. ठीक है, कलरलेस और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, अगर पाउडर फॉर्म में है तो क्रिस्टल्स होंगे वाइट कलर के. ठीक है, और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट. इट इज हैविंग अ बिटर स्लाइन एंड कूलिंग टेस्ट. इट इज हैविंग अ बिटर स्लाइन एंड कूलिंग टेस्ट. थर्ड पॉइंट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल मींस फुली किसमें सॉल्युबल है? वाटर में. और स्पेरिंगली सॉल्युबल मींस थोड़ा बहुत, जैसे हम कह रहे थे कि अगर हम 10 ग्राम हम डाल रहे हैं तो उसमें से 2 ग्राम, सिर्फ ओनली 2 ग्राम ही सॉल्युबल हो पाता है अल्कोहल में. मीन्स पूरी तरह कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पाता, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल. नेक्स्ट लिखो यूजेस स्लाइन लेक्सिटिव. लेक्सिटिव की तरह यूज होता है ये. सेकंड, हाइपरटेंशन. अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका पेट खराब रहेगा. अगर पेट खराब रहेगा तो सर में दर्द रहेगा. अगर सर में दर्द रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी. गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से क्या होता है कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है. तो अल्टीमेटली अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसे पेट क्लियर होने की मेडिसिन भी पहले ही दी जाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्ट है आपका सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट. तो हेडिंग डालेंगे सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट. ऑर्थोफॉस्फेट की स्पेलिंग है ORTHOPHOSPHATE. ऑर्थोफॉस्फेट.
सोडियम ऑर्थो फॉस्फेट, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एरोमा के सामने लिखना है NaH2, Na सोडियम का सिंबल है, NaH2PO4, PO4। जब भी आप क्या करते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो तो सभी एटम्स को कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ठीक है, स्मॉल लेटर नहीं लिखना है। और जितने भी आपको ये लिखते हो 2, 4, तो ये क्या होते हैं, नीचे लिखने होते हैं एटम के। तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का NaH2PO4, ठीक है। सिनोनिम लिखो, सोडियम फॉस्फेट, इसका सिनोनिम है सोडियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है प्रेपरेशन, प्रेपरेशन इसमें लिखो H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, लिख लेना नीचे H3PO4 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अगर Na2HCO3 होता तो उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे सिर्फ Na2CO3 है, इट मीन्स सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, Na2CO3 गिव राइज टू, मीन्स एरो लगाओ सामने, एरो लगा के सामने लिखना है NaH2PO4, NaH2PO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, प्लस वाटर। तो ये थी आपकी रिएक्शन प्रेपरेशन की, किसकी, सोडियम ऑर्थो फॉस्फेट की। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, इट इज, यहां तक लिख लिया है ना सभी ने फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके बेटा, तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज अ वाइट कॉमा क्रिस्टलाइन स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, मीन्स बहुत कम ऐसा होता है कि ये मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। इट इज अ वाइट कॉमा क्रिस्टलाइन स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ वाटर सॉल्युबल पाउडर, इट इज अ वाटर सॉल्युबल पाउडर। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड चीफली लिख लो या मेनली लिख लो, इन डाइंग मीन्स कलर करना, ठीक है, एज अ कलरिंग एजेंट में भी यूज होता है, एज अ डाइंग की स्पेलिंग है DYEING, DYEING, डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कॉमा मेडिसिन एंड केमिस्ट्री। तो इसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, डाई करने के लिए एज अ कलरिंग एजेंट में यूज़ करते हैं,
मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, मींस केमिकल्स की प्रेपरेशंस में. डन. नेक्स्ट लिखो यूजेस. राइट डाउन द फर्स्ट यूज. फूड एंड वाटर ट्रीटमेंट. फूड एंड वाटर ट्रीटमेंट. सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज्ड एज, इट इज यूज्ड एज इमल्शंस, इमल्शंस कॉमा थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट कॉमा लीविंग एजेंट, इमल्शंस थिकनिंग एजेंट. थिकनिंग एजेंट मीन्स अगर कोई प्रेपरेशन है आपकी वो लिक्विड फॉर्म में है और आप उसको चाहते हो कि वो ऑइंटमेंट फॉर्म में आ जाए तो उसको थिक कौन करेगा? आपका सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट केमिकल जो है ये सॉल्ट डाल देते हैं वो, जिसकी वजह से वो थिक हो जाती है आपकी मेडिकमेंट एज अ थिकनिंग एजेंट. फोर और ये फूड मटेरियल्स में भी यूज़ होता है तो इस वजह से हम इसे क्या करते हैं अपने फूड्स में भी यूज़ करते हैं जैसे जो बेकिंग फूड्स होते हैं. फोर बेकिंग, फोर बेकिंग या बेक्ड गुड्स लिख लो, बेक्ड गुड्स एज अ लिविंग एजेंट, एज अ लिविंग एजेंट मींस खाने का अगर कोई मटेरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ जैसे कि बेक्ड मटेरियल कैसा होता है से आपकी कुकीज़ आती हैं मार्केट में, बिस्किट्स वगैरह होती हैं तो वो आसानी से अगर किसी के साथ चिपक जाते हैं कंटेनर के साथ तो छुड़ाने के लिए वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं लिविंग एजेंट भी कहते हैं. ठीक है. फॉर बेक्ड गुड्स एज अ लिविंग एजेंट. नेक्स्ट यूज, it is used as laxative, it is used as laxative to work by increasing, to work by increasing fluid in small intestine, in small इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे हम इस पॉइंट में क्या कहने की कोशिश करें कि हम इसे एज अ लैक्सेटिव भी यूज़ करते हैं. ये क्या करता है कि जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उस सिचुएशन में ये क्या करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे फ्लूइड की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देता है, मींस जो लिक्विड कंटेंट है उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारे जो स्टूल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ईजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. डन. ओके. तो नेक्स्ट आपका सॉल्ट है क्योलिन. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी क्योलिन, के ए ओ एल आई एन. सिलेबस में देखो क्योलिन है, के ए ओ एल आई एन क्योलिन. डन. इसका यशवंत क्या बोल रहे हो? मैम एक बार रिपीट कर देना. क्योलिन है बेटा नेक्स्ट सॉल्ट, के ए ओ एल आई एन क्योलिन. ठीक है, ये सॉल्ट का नाम है. अब हम इस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखो. राइट डाउन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्योलिन. ए एल टू ओ थ्री. ए एल टू मीन्स एल्यूमिनियम, ए एल एल्यूमिनियम है. Al2O3 इंटू यानी कि पॉइंट लगा देना बीच में, उस पॉइंट को हम इंटू ही कहते हैं. पॉइंट 2SiO2 इसके साथ फिर से पॉइंट लिखो, पॉइंट 2H2O
0.2H2O मीन्स इसके साथ वाटर कंटेंट भी है. नेक्स्ट है सिनोनिम, सिनोनिम चाइना क्ले, इसे हम चाइना क्ले भी कहते हैं. सिनोनिम चाइना क्ले, सी एच आई एन ए चाइना क्ले, सी एल ए वाई क्ले, चाइना क्ले. आई एम रिपीटेड अगेन, सी एच आई एन ए चाइना क्ले, सी एल ए वाई क्ले, चाइना क्ले. नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इट इज नॉर्मली वाइट इन कलर, इट इज नॉर्मली वाइट इन कलर. सेकेंड पॉइंट, इट हैज एन अर्थी, ई ए आर टी एच वाई, अर्थी. जैसे होता है ना कि मिट्टी पे पानी गिर जाता है तो उसमें से जो खुशबू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थी. ऐसे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, उन पे पानी गिरता है तो उसमें से जो खुशबू आती है बहुत अच्छी सी, उसको हम बोलते हैं अर्थी. अर्थी और क्ले लाइक, और क्ले लाइक टेस्ट, और क्ले लाइक टेस्ट. थर्ड पॉइंट, इट्स कलर मे बी ग्रे येलो, ग्रे कॉमा येलो कॉमा ब्राउन कॉमा ब्लू, मीन्स इनमें से कोई भी कलर हो सकता है. ड्यू टू क्यों हो सकता है इनमें से कोई भी कलर, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से इसका कलर वेरी करता रहता है. ड्यू टू इम्प्योरिटीज़. डन? यस मैम. ओके, अब हमने इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किया, फिर उसके बाद सिनोनिम, उसके बाद प्रॉपर्टीज. अब हम करेंगे प्रेपरेशन, कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है. इसकी हमने कोई रिएक्शन ही नहीं लिखी है, तो इसकी जो प्रेपरेशन है वो कुछ अलग तरीके से होती है. तो हेडिंग डालो प्रेपरेशन. प्रेपरेशन, प्रेपरेशन में लिखो क्योलिन किससे प्रिपेयर किया जाता है. When rock is mined, M-I-N-E-D, means जब चट्टानों को तोड़ा जाता है. When rock is mined, impurities are washed, उसमें जो impurities होती हैं वो wash out कर दी जाती हैं with water, impurities are washed with water and then powdered. एंड देन पाउडर्ड, और फिर उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है. एंड देन पाउडर्ड. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इसी के साथ, लार्ज साइज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड मीन्स जो है क्योलिन बड़े साइज के होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, और जो छोटे होते हैं उनको अलग करके उन्हें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. लार्ज साइज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, फर्स्ट स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. क्योलिन इज एन, मैं काफी फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, फर्स्ट ईयर? नो मैम. ओके बेटा. क्योलिन इज एन इम्पॉर्टेंट,
Kaolin is an important member of the family. कौन सी फैमिली से बिलोंग करता होगा ये? क्ले की फैमिली से. Kaolin is an important member of the family of clay materials and soapy to touch. Soapy means जैसे हम साबुन को टच करके देखते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट फील होता है, ठीक है, स्लिपरी फील होता है, तो वैसा ही टच इससे लगा करने से होता है, ठीक है. एंड सोपी soapy सोपी टू टच. नेक्स्ट लिखो इसके यूजेस, हेडिंग डालो यूजेस. फर्स्ट पॉइंट, डस्टिंग पाउडर. सेकेंड पॉइंट, क्लीनिंग एजेंट. थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पॉर्सिलिन कॉमा ब्रिक्स. मैम रिपीट कीजिएगा. ओके, इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, हम इसे यूज़ करते हैं बनाने के लिए क्या? पॉर्सिलिन आपने देखा क्या होता है पॉर्सिलिन? जैसे अपने लैब में यूज़ किया होगा प्लस टू लेवल पे, जो चाइना डिश होती है वो पॉर्सिलिन की बनी होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉर्सिलिन, PORCELAIN, पॉर्सिलिन कॉमा ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या होते हैं? ईटे, BRICKS, ब्रिक्स. डन? यस मैम. तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, सभी ने नोट डाउन कर लिया? किसी को कोई डाउट है लेक्चर में आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो? फर्स्ट ईयर?